यदि आपका सपना है आईएएस बनने का तो आप ज़रूर एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में होंगे। और आप सबको पता है कि 2022 में यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो CUET के द्वारा हो रहा है, अर्थात CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आईएएस बनने के लिए टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, और जिसमें जो है नंबर 1 पर कौन सी यूनिवर्सिटी है यह भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले 5 नंबर पर कौन है। तो देखिए 5 नंबर पर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रखी गई है वो है आपका AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो है इस मामले में जो है 5 नंबर पर यहाँ पर रखी गई है। ये प्रायोरिटी जो है, ये वरीयता जो है किसी मतलब कि किसी और व्यक्ति विशेष के अनुसार आगे पीछे इसकी वरीयता हो सकती है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं कि अगला नंबर किसका आएगा। तो आपका 4 नंबर पर जो है AMU एंड JMI, AMU मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और आपका JMI मतलब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये भी दोनों जो हैं एडमिनिस्ट्रेटमेंट अर्थात UPSC के लिए एक अच्छी मतलब यूनिवर्सिटी मानी जाती है, ठीक है। नंबर 3 पर आप सबको पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, BHU देश की टॉप यूनिवर्सिटी में, सॉरी JNU देश की टॉप यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है, और यह UPSC के मामले में जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें नंबर 3 पर आती है, ठीक है। आप UPSC यहाँ से भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका UPSC ज़रूर क्रैक होगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट जो है आपका 2 नंबर पर है जो विश्व प्रसिद्ध और विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी जो है आपकी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यह UPSC के मामले में मैं आपको जो है इसकी प्रायोरिटी जो है इसकी वरीयता जो है मैं 2 नंबर पर रखता हूँ, ठीक है। आपका किसका प्रायोरिटी क्या देना है, आपको इसको किस नंबर पर रखना है, आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 1 नंबर की। तो यहाँ पर जो है आपका 1 नंबर पर जो है आपका यह है DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपका 1 नंबर पर है UPSC के मामले में, ठीक है। अगर आपको मास कम्युनिकेशन करना है या फिर अगर आपको IAS बनना है या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटमेंट के सर्विस में जाना है तो ऐसे मतलब कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है पहली वरीयता में वो आप जो है DU को सेलेक्ट करिए। तो कुल मिलाकर UPSC के लिए आपको DU को नंबर 1 पर रखना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने CUET का फॉर्म भरा है तो आपके फॉर्म में अगर आपने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया है तो टॉप 3 यूनिवर्सिटी DU और आपका जो है BHU और आपको JNU ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। आप AU को भी ऑप्शन मिले सकते हैं, AU खराब यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।